आज हम जिस खाने की बात करने वाले हैं वो आया है बाहर से, लेकिन भारत में अपनी जड़ें जमा चुका है और आज हर भारतीय, छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को ये खाने में बड़ा लजीज लगता है और हर कोई अपने अपने तरीके से इसे बनाता भी है। हम बात कर रहे हैं इटालियन कुजीन पास्ता की। अब थोड़ा सा सब्र कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद अपने किचन में जाइएगा और फिर पास्ता बनाइएगा। पहले ये पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, पैसा भी कमाएंगे। कैसे, दिखाते हैं। तो बात कर रहे हैं पास्ता बिजनेस की। तो पास्ता का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लागत बहुत कम है और पास्ता बनाने के लिए आपको मैदा चाहिए, आटा चाहिए, अंडे चाहिए और आजकल तो खैर सूजी का पास्ता भी आने लगा है। कहते हैं कि भैया डाइट कॉन्शियस के लिए चलो सूजी का पास्ता बना दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें लगती हैं। तो आप ये बिजनेस वैसे तो घर से भी शुरू कर सकते हैं और अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है तो आप इसके लिए मशीनें भी लगा सकते हैं या फिर शुरुआती तौर पर आप घर से शुरू कीजिए। जब सेटअप हो जाए तो आप मशीनें लेकर एक बड़े लेवल पर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस बिजनेस को लेकर तमाम बिंदुओं पर बात करते हैं। यूं तो आजकल नेट पर ढेरों रेसिपीज मौजूद हैं, लेकिन अगर आप खाने पीने में प्रयोग करने के शौकीन हैं और आपको मसालों की अच्छी समझ है तो आप अपनी खुद की पास्ता रेसिपी बना सकते हैं। इससे आपका प्रोडक्ट यूनिक रहेगा। बिजनेस चाहे कैसा भी हो, उसका रजिस्ट्रेशन कराना उसे शुरू करने की सबसे पहली सीढ़ी है। क्योंकि यहाँ मामला खाद्य पदार्थ का है तो ये रजिस्ट्रेशन सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से आवश्यक परमिट का लाइसेंस जरूर लें। साथ ही अन्य लाइसेंस के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से संपर्क करना ना भूलें। आप MSME उद्योग आधार के तहत अपने बिजनेस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। बात करें अगर कच्चे माल की कीमतों की तो पास्ता बनाने में इस्तेमाल होने वाले आइटम में आटा, मैदा, सूजी, अंडा, तेल, नमक, गरम मसाले आदि, हालांकि जो भी पास्ता तैयार करता है ये काफ़ी हद तक उस पर भी डिपेंड करता है कि वह कौन सा आइटम कितनी मात्रा में इस्तेमाल करेगा। इन सब के साथ ही पैकेजिंग के लिए लगने वाले स्टिकर, लेबल आदि जैसे रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता रहती है। ये सब आपको लोकल मार्केट से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लगभग 50,000 का खर्च आप इन सब पर मान कर चलें। पास्ता बनाने वाली मशीन लगभग 3 से 4 लाख की मिल जाती है। इसकी मदद से 1 घंटे से भी कम समय में आप 1 टन से भी ज्यादा पास्ता ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। ये बहुत अधिक बिजली भी नहीं खाती है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है और जहाँ से भी आप इसे खरीदेंगे उसके साथ दिए गए मेन्यू अलग से पढ़ के आप उसे ऑपरेट करने का तरीका भी सीख सकते हैं। मशीन सेट करने के लिए आपको 1,000 से 2,000 square feet तक की जगह की आवश्यकता होगी। हालांकि अगर आप अभी मशीन सेटअप नहीं करना चाहते और घर में ही पास्ता तैयार करना चाहते हैं तो इसकी विधि भी हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको आटा लेना है और उतनी ही मात्रा में सूजी भी लेनी है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाकर आपको 3 चीजें छान लेनी है। इन सब की मात्रा उतनी ही लें जितना आपको ऑर्डर हो। अब इसमें अंडा और तेल मिलाएं और गूंथ लें। उसको गूंथ कर कुछ समय के लिए रहने दें और फिर मनचाहे आकार दें। ये आकार हाथ से भी दिया जा सकता है या बाजार में बिकने वाले सांचों का भी प्रयोग किया जा सकता है। डिजाइंस तैयार होने के बाद इन्हें सूखने दें और जब अच्छे से सूख जाएं तो इन्हें पैक कर आप ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह से ड्राई पास्ता का छोटा और लाभकारी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो मुझे पता है अब आपका पेट सायरन दे रहा है और कह रहा है कि भाई किचन में जाओ, अगर पास्ता रखा है तो पास्ता बनवाओ या बनाओ और या फिर कुछ भी खाओ। खैर, हमारा मकसद था आप तक एक बिजनेस का आइडिया पहुंचाना, वो हमने पहुंचा दिया। वैसे आज तो मैंने आपके साथ रेसिपी भी डिस्कस कर ली कि आप पास्ता घर में कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये भी पसंद आ रहा है कि हम आपके साथ रेसिपी डिस्कस कर रहे हैं तो आप हमें ये भी बता सकते हैं, हम
आपके लिए ये भी करने को तैयार हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कैसे वीडियोस देखना पसंद आ रहे हैं बिजनेस को लेकर, और साथ ही साथ ऐसा कौन सा बिजनेस फॉर्मूला या फिर ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और जो आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, हम ज़रूर बनाएंगे। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि पहला जो नोटिफिकेशन है आप तक जाए वीडियो का। अपना ख्याल रखिएगा, खाइए पीजिए ऐश कीजिए, और हाँ हमारे साथ बिजनेस टिप्स शेयर करते रहिए। बाय बाय। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।